पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीसीसी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभा में जगदीश प्रसाद शर्मा ने भजन और गीता पाठ प्रस्तुत किए। फादर दीपक बैरिस्टो ने बाइबल का पाठ किया। अब्दुल रशीद ने कुरान की आयतें पढ़ी और सरदार मनिंदर सिंह बग्गा ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। इस अवसर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का बलिदान दिवस और सरदार पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके चित्रों पर पुष्पांजलि की गई, पुष्प अर्पित किए गए। पंडित सरदार पटेल जी जो देश की आज़ादी से लेकर के और इस स्वर्णिम भारत के निर्माता रहे हैं, उन्होंने रियासतों की एकीकरण का काम करके एक देश में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखाया। इंदिरा जी का बलिदान दिवस है और आप आश्चर्य करेंगे, मैंने पहली बार देखा है जिस प्रधानमंत्री ने अपने घर में 24/303 की गोलियां खाई, अपना बलिदान दे दिया भारत के ऊपर, लेकिन आतंकवाद खत्म करा दिया। आज उस प्रधानमंत्री का बलिदान दिवस पूरे देश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मनाना चाहिए। बलिदान दिवस नहीं मना रहे, लोगों को बताना चाहिए कौन थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वो थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिसने बांग्लादेश बना दिया, जो खुद बॉर्डर पर गई, मुकाबला किया, कभी घबराई नहीं, डरी नहीं। इसलिए राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सारे काम, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब कांग्रेस ने दिया। आप भी मानगढ़ धाम तो बहुत बड़ा बलिदान स्थल है, जहाँ पे आप राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, कोई एहसान तोड़ना कर रहे हो, बनाओगे ही।